नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कौर आपके अपने YouTube चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर हापुड़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सरनाम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज हम निश्चयवाचक सरनाम और अनिश्चयवाचक सरनाम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट में हम सरनाम की परिभाषा, सरनाम की पहचान और सरनाम कितने प्रकार के होते हैं ये सब बातें कर चुके हैं। साथ ही साथ सरनाम का एक प्रकार पुरुषवाचक सरनाम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज नंबर दो हम निश्चयवाचक सरनाम की बात करेंगे। बच्चों, निश्चयवाचक सरनाम की परिभाषा जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिख दी है, ध्यान देंगे, जो सरनाम पास या दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो एक पूरा का पूरा वाक्य दे देता है और वाक्य देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि बताइए इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, या पेपर में यह पूछेगा कि किसी भी वाक्य के किसी भी पार्ट को वो अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि बताइए यह कौन सा सर्वनाम है। बच्चों, यह, वह दूर और या पास की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराते हैं, जैसे सीता ने गीता से कहा। देखेंगे, सीता ने गीता से कहा मेरा घर यह है। अब देखो, कोई लड़की सीता है, वो दूसरी अपनी किसी फ्रेंड गीता से कहती है कि मेरा घर यह है, तो यह क्या है आपका सर्वनाम। तुम्हारा घर तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है। तभी गीता बताती है, गीता ने बताया मेरा वह है। तो यहां पर इस वाक्य के अंदर यह और वह, यह नजदीक के लिए यूज करते हैं और वह दूर के लिए यूज करते हैं। यह और वह दोनों में ही कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट सर्वनाम की बात करेंगे, जो कि आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, अर्थात जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी ने, कोई, कुछ, किसी ने। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बिल्कुल साधारण भाषा में बताता हूं। मान के चलो आप स्कूल, कॉलेज या अपने ऑफिस से कहीं बाहर से अपने घर आते हैं और घर आने के बाद आप अपने बेडरूम में बेड पर लेट जाते हैं। अचानक से आपके घर का कोई डोरबेल बजाता है और डोरबेल बजने के बाद मान के चलो आपकी माताजी बाहर कार्य कर रही हैं और आप उनसे कहते हैं कि देखना माताजी, किसी ने दरवाजा बजाया है या दरवाजा खटखटाया है। तो किसी ने, तो क्या वो किसी ने आपका जान पहचान का है, निश्चित नहीं है। कौन हो सकता है, पहचान वाला भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकता है, कोई बाहर का भी हो सकता है। तभी माताजी कहती हैं, हाँ देखो बेटा, हाँ बाहर कोई खड़ा है, तो वो कोई भी जान पहचान का नहीं है। तो अभी जैसे माताजी ने ऐसी, मैंने उसके टाइप का ही एक एग्जांपल भी लिखा है, माँ बेटा देखो किसी ने दरवाजा खटखटाया है। तो यहां किसी ने क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा कहता है हाँ माँ बाहर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है। अब मान के चलो वो कोई मांगने वाला है, तो आप अंदर से कहते हैं कि माता जी या बेटा आप उसे कुछ दे दो, तो वो कुछ भी आपका कोई निश्चित नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम का केवल यही पार्ट पढ़ेंगे। इसके आगे की सर्वनाम की कहानी हम इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।